हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी साइंस क्लासेस में। और आज जो है हम देखिए आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है देखिए डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन और आइडिया ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, यानी डी ब्रोगली ने जो वेव इक्वेशन दी थी उसके बारे में जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और देखिए लगभग यानी 19 सेंचुरी से पहले, 19वीं शताब्दी से पहले क्या है, देखिए जो ये लाइट थी उसके जो है ड्यूअल नेचर के बारे में पता लग चुका था। यानी लाइट के अंदर क्या है, ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मतलब लाइट जो है एक रे की तरह भी व्यवहार करती है और एक जो है वेव की तरह भी व्यवहार करती है। यानी लाइट जो है रे यानी स्ट्रेट लाइन में चलती है, प्रकाश जो है हमेशा एक सीधी लाइन में ही चलता है, और वेव यानी जो तरंगें होती हैं उनके रूप में भी चलता है। इसलिए क्या है, हम कह सकते हैं जो प्रकाश जो है क्या है, डुअल नेचर का होता है। लाइट जो है डबल नेचर की होती है, क्योंकि ये क्या है, लाइट के एक तरंग के रूप में भी चलती है और एक किरण के रूप में भी चलती है। सेम उसी प्रकार क्या है, देखिए 1924 में डी ब्रोगली ने क्या है, देखिए अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या है ये पता लगा लिया। यानी जो एटम होते हैं वो भी क्या है, देखिए जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, और इन्होंने ये भी बताया जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या है, देखिए न्यूक्लियस यानी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो है रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। यानी अगर हम कॉमन सा एग्जांपल लें, देखिए मान लेते हैं कोई जो है ये एटम होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अपनी जो है फिक्स्ड कक्षाओं में जो है फिक्स्ड ऑर्बिटों में जो है घूमते रहते हैं नाभिक के चारों तरफ, क्योंकि जो ये जो एटम होता है इसके अंदर देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है पार्टिकल मौजूद रहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और जबकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज है। यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स जो है रहता है, जिसकी वजह से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ही फिक्स्ड कक्षा में जो है अपनी ही फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है घूमते हैं। इसके पास वाला जो ऑर्बिट होता है, यानी यहाँ पर भी क्या देखिए एक ऑर्बिट होगा, इसके पास में भी होगा, यानी ये वाले फर्स्ट वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड में नहीं जा पाते, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, उन पर एक फोर्स लगाता है जो इनको क्या है, बांधे रखता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। अब देखिए डी ब्रोगली ने ये बताया, जब ये किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो इनके अंदर जो मोशन होता है वो क्या है, वेव मोशन होता है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कुछ इस प्रकार से जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है रिवॉल्यूशन करते हैं। यानी जो डी ब्रोगली है उन्होंने क्या है, देखिए 1924 में ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है एक्सप्लेन किया, और इसी को ही जो है हम वेव मैकेनिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। और जो वेव मैकेनिकल थ्योरी दी थी वो क्या है, डी ब्रोगली ने दी थी इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन करते हुए। इसमें इस थ्योरी में
डी ब्रोगली ने बताया, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए एक पार्टिकल के तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी जैसे कि दूसरे पार्टिकल होते हैं, दूसरे कण होते हैं, उसके जैसे बिहेव करते हैं। जैसे पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में चल सकते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी जो है स्ट्रेट लाइन में चल सकते हैं। जैसे क्या है, देखिए पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, वैसे क्या है देखिए इलेक्ट्रॉनों के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है। वैसे क्या है देखिए, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या है देखिए दूसरे यानी अपोजिट चार्ज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, वैसे क्या है इलेक्ट्रॉन भी क्या है अपोजिट चार्ज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अब इन्होंने बताया यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के साथ साथ क्या है एक वेव के रूप में भी ट्रेवल करते हैं, वेव यानी तरंग के रूप में भी चलते हैं। और इस जो है देखिए वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हुए डी ब्रोगली ने जो है एक इक्वेशन दी, जिसको हम क्या है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया देखिए, जो प्लांक अकॉर्डिंग टू प्लांक इक्वेशन इक्वेशन इज इक्वल टू एच म्यू, यानी जो डी ब्रोगली थे इन्होंने क्या करा, जो प्लांक ने समीकरण दी थी उसको और जो आइंस्टीन ने समीकरण दी थी उनको, दोनों को कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद एक अपनी अलग नई इक्वेशन बना दी, और उसी इक्वेशन को क्या है हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन के द्वारा हम क्या है किसी भी जो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, उसका जो है वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, जो डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी थी। अब देखिए इन्होंने क्या करा, यानी प्लांक की जो इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एच म्यू, वेयर एच इज अ कॉन्स्टेंट, वेयर एच इज प्लांक कॉन्स्टेंट, वहीं म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, यानी एच क्या है एक कॉन्स्टेंट है और म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी किसी भी जो है रिवोल्यूशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसके द्वारा एक सेकंड के अंदर कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं, उन्हीं संख्या को उन्हीं रिवोल्यूशन को क्या है हम देखिए फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी सपोज मान लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर बात करें, अगर हमारे पास कोई पेंडुलम है और ये पेंडुलम क्या है देखिए रिवोल्यूशन कर रहा है इस तरह से, यानी एक सेकंड के अंदर ये कितने चक्कर पूरे कर रहा है वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और देखिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो उनके अंदर वेव नेचर पाया जाता है, इसलिए क्या है वेव जो है यानी एक सेकंड के अंदर वो कितने अपने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। वही क्या है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर क्योंकि ये जो डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी थी वो दी थी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे क्या है एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहीं सी वेलोसिटी ये कह सकते हैं हम स्पीड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी सी क्या है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और जो एम है वो क्या है उसका द्रव्यमान है। देखिए ये भी एनर्जी है ये भी एनर्जी है, तो उन्होंने क्या किया अगर हम इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, अगर इसको टू मान लेते हैं, इक्वेशन वन और टू को एक साथ कंबाइन किया, कंबाइन करने पर क्या है दोनों को इक्वल कर दिया, यानी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, व्हाट म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, सी इज द स्पीड और वेलोसिटी, लैम्डा इज द वेवलेंथ यानी तरंग दिखा रही है। अब तरंग दिखा रही क्या होता है देखिए, यानी वन कंप्लीट
रोटेशन में जो है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो है कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई रिवोल्यूटरी ऑब्जेक्ट, उसी को कहते हैं हम उसका वेवलेंथ। अगर म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा तो इस म्यू की जगह हम सी अपॉन लैम्डा प्लेस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा यानी एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखिए अब क्या है, इस वाले सी से हम इसकी पावर कैंसिल कर देते हैं यानी एच लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। लैम्डा यानी लैम्डा के रूप में इसे इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम सी। यदि मान लेते हैं इफ सी इज इक्वल टू बी, यानी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की चार्ज पार्टिकल की वो कितनी है, वो वी है, तब क्या है हम इसे रखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अब हम जानते हैं देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट जो क्या है देखिए सर्कुलर मोशन में है तो उसके अंदर क्या है देखिए मोमेंटम होता है, और मोमेंटम इज इक्वल टू होता है पी, पी इज इक्वल टू होता है एम बी यानी मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या है देखिए मोमेंटम है, संवेग जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे पी रखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन पी। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। इस तरह से क्या है देखिए यानी ये जो इक्वेशन है इसी को क्या है हम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन कहते हैं। अगर देखिए एच क्या है हमारा कांस्टेंट है, अगर इसे हम कांस्टेंट कर देते हैं तो एच लैम्डा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी के, यानी जो लीनियर मोमेंटम है जो एंगुलर मोमेंटम है किसी चार्ज पार्टिकल का जो क्या है देखिए वेव मोशन कर रहा है उसका जो मोमेंटम है वो क्या है देखिए वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर हम मोमेंटम बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ जो है कम हो जाएगा, अगर मोमेंटम कम करेंगे तो वेवलेंथ जो है बढ़ जाएगा। अब देखिए जो ये इक्वेशन डी ब्रोगली ने दी थी इसमें कुछ कमियां पाई गई, कमियां मतलब देखिए अगर कोई स्पेस में चार्ज पार्टिकल है तो ये जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और अगर मान लेते हैं कोई जो है हैवी पार्टिकल है भारी पार्टिकल है जिसका वजन ज़्यादा है तो ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है देखिए एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है डी ब्रोगली इक्वेशन को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके एक नया इक्वेशन दिया जिनका नाम था डेविशन एंड जर्मर। हम देखिए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए डेविशन एंड जर्मर मॉडिफिकेशन इन डी ब्रोगली इक्वेशन, जर्मर मॉडिफिकेशन इन डी ब्रोगली इक्वेशन, यानी डेविशन और जर्मर ने क्या है जो कमी डी ब्रोगली की इक्वेशन में आ रही थी उस कमी को दूर किया और एक नया इक्वेशन बनाया जिसको हम क्या है डेविशन और जर्मर डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन में क्या है इन्होंने देखा यानी जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो क्या है देखिए वेव मोशन कर रहे हैं उसके अंदर क्या है देखिए पोटेंशियल बी जो है डेवलप हो जाता है जो क्या है देखिए उनका जो चार्ज है यानी चार्ज मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है तो ई, ये बराबर हो जाता है उनकी एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है ठीक है इन्होंने देखा ये जो है बराबर है ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल इज इक्वल टू एम बी हाफ एम बी स्क्वायर। अगर हम ये टू दे रखा है डिवाइड में दूसरी साइड में लें तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 2EV इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय एम ऑन बोथ साइड। अगर हम क्या है अब दोनों साइड में क्या है एम से मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा 2 एम ई वी
इज इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके ऊपर से दोनों के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो रूट आ जाएगा, एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा टू एम ई वी अंडर रूट। अब इक्वेशन हमारी थर्ड कहती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, इस एम बी की जगह हम जो है इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, एम बी की जगह रख दिया हमने टू एम ई बी अंडर रूट में। यही मॉडिफिकेशन जो है डेविशन और जर्मन ने क्या है जो डी वी रोगली की क्वेश्चन थी उसमें जो है किया। और जो कमी आ रही थी, यानी कमी क्या आई थी डी वी रोगली की क्वेश्चन में, कि यानी ये जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी, तो इस तरह से क्या है इन्होंने इसमें पोटेंशियल जो है शामिल करके जो है उस कमी को दूर किया और जो है डी वी रोगली की क्वेश्चन को जो है एक फिनिश्ड रूप जो है दे दिया। देखिए जो आज का टॉपिक था ये जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो हायर क्लासेस में भी पूछा जाता है, जैसे बीएससी है और जो बीएससी ऑनर्स हैं या और जो कोर्सेज हैं उनमें भी पूछा जाता है। देखिए अगर हम बात करें जो फर्स्ट ईयर यानी जो 11th केमिस्ट्री है उसमें ही पूछा जाता है, और देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।